कुमार टॉकीज के पीछे फर्नीचर मार्केट में लगी आग के कारण बर्बाद हुए दुकानदारों को मुआवजा देकर राहत दे प्रशासन। समाजवादी पार्टी युवजन सभा महानगर अध्यक्ष अहमद खान टीटू अपनी टीम के साथ हादसे के स्थल कुमार टॉकीज फर्नीचर मार्केट पहुंचे और मौका मुआयना किया। पीड़ित दुकानदारों से बात की, उन्होंने प्रशासन और नगर निगम से मदद दिए जाने की मांग की। अहमद खान ने कहा कि 22 दुकानदारों का लाखों का नुकसान हुआ है, प्रशासन सभी दुकानदारों को उचित मुआवजा देकर राहत दे ताकि दुकानदारों अपना कारोबार फिर खड़ा कर सके। सपा के इरफान कुरैशी, राहुल सिंह, राशिद खान, अमर राठौर, शराफत हुसैन आदि रहे। वहीं जनसेवा टीम के अध्यक्ष पम्मी खान वारसी भी मौके पर पहुंचे। दुकानदार हाजी अजीम हसन, सिराज कुरैशी, राजू, अनवर अली, मो उस्मान, परवेज कुरैशी, मुइन अलाउद्दीन के बेटे जावेद, चांद बाबू, ताजीम खान सहित 22 दुकानें जली हैं। दुकानदारों ने अपना दर्द बयां किया। पम्मी वारसी ने नगर निगम से दुकानदारों के सहयोग की मांग की। कुमार टॉकीज के पीछे फर्नीचर मार्केट में लगी आग के कारण बर्बाद हुए दुकानदारों को मुआवजा देकर राहत दे। समाजवादी पार्टी से महानगर का युवजन सभा का अध्यक्ष कुमार टॉकीज पे रात आग लग गई थी। दुकानों के अंदर मार्केट है, ये फर्नीचर की, यहाँ पे आग लग गई थी। इसी का मुआयना करने हम जब यहाँ पे आए तो यहाँ के लोगों से हमने पूछा कि कैसे आग लगी थी। यहाँ बताया गया कि शॉर्ट सर्किट के जरिए यहाँ आग लगी थी। और मुझे जब मुआयना करा टीम के साथ तो हम लोगों ने सबने पूछा इनसे क्या चाहते हैं। तो मेरा जिला प्रशासन से यही अनुरोध है, निवेदन है कि इन लोगों को मुआवजा दिया जाए और जल्द से जल्द इनकी दुकानें तामीर की जाए।